अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। रविवार रात ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की गई विशु की हत्या के बाद हसनापुर के गांव पल्ला में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल कल विशु की डेड बॉडी को जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस के सामने ही भीड़ उग्र हो गई और 3 मकानों सहित मस्जिद को निशाना बना लिया। भीड़ ने पास में ही बने मुस्लिम समुदाय के 3 मकानों में तोड़फोड़ व आगजनी की, घरों में खड़े ट्रैक्टर व बाकी वाहनों को भी चला दिया। विशु की चिता की आग लेकर आरोपियों के खेतों में खड़ी गन्ने और गेहूं की 17 बीघा फसलों को फूंक डाला। बवाल से परेशान दो घरों के लोग तो रात में ही घर छोड़कर चले गए, जबकि तीसरे घर में मौजूद लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। इन 3 घरों के अलावा भी 4 और घरों के खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। हसनापुर पुलिस की मौजूदगी में पूरे 5 घंटे बवाल मचा। कि पहले लड़ाई चली आ रही थी, कब चली आ रही थी? होली वाले दिन। तो ये इन्होंने बदतमीजी करी खुद ही हमारे घरों में बड़े इन्होंने गुजरों ने जो ये लड़के थे दारू रुपये एक तो यही लड़का था जो उनसे मरा, इनने मारा उन्हें हाफिज बरकत को वो इमला को। हमारा तो कोई ना हाथ लगाया, हम तो अलग थे, हमारे तो यहाँ घर हम झूठ नहीं बोलने के रमजान से है। उन्होंने को कोई बात नहीं, उन्होंने उसको मार दिया। हमारे घरों में बड़े वहाँ बदतमीजी करी इन्होंने, कोई बात नहीं उसमें सुलह हो गई, कुछ भी इनको कोई कुछ नहीं करा। इनों का तो कोई कुछ होया ही ना भैया, हमारे तो मुसलमानों के थोड़े से घर हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फैसला होगा 2-4 दिन बाद। इन्होंने फैसला दे दिया भोटपुर में जाके, मुझे अब से ऐसा नहीं होगा, हमारी गलती है, हमारे बच्चों की गलती है, चलो कोई हो नहीं। हमारे आज मैंने कहा दिया भाई ठीक है, कोई हमारा जितना भी खर्चा आया हम खर्चा भी नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। अब जो हमारे जरा मरा से ये इन्होंने लड़ाई करी, एक अनस का नाम था, इन्होंने गोली चलाई, वैसे गोली चली नहीं, बहरहाल इन्होंने कहा गोली चलाई हाँ होली वाले दिन। तो उन्होंने का नाम है, एक तो अल्लाह मेर है इसमें, महकार अनस जो थे उन्होंने नाम ले रहे थे। अब मारने में तो कोई और है बस, वो तो बिना मतलब फैसला होगा, इन्हों को तो यूँ रंजिश करनी थी। जानकारी पर पहुंचे SSP रोहित सिंह साजवान और IG प्रवीण कुमार ने स्थिति पर किसी तरह काबू पाया। चिता की आग से लगाई गई खेतों में आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक फसलें जलकर खाक हो चुकी थी। पूरा गांव इस हिंसा की चपेट में आ गया, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देर शाम हसनापुर थाना में पुलिस ने 14 नामजद सहित 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं विशु के परिजन की ओर से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई है। पुलिस छानबीन के बाद सामने आया कि होली वाले दिन यानी 8 मार्च को विशु और दूसरे पक्ष के पूर्व प्रधान गजेंद्र के बीच झगड़ा हुआ था, इसी ने 1 महीने बाद पलरा में बवाल कराया है। गौरतलब है कि रविवार को हसनापुर थाना क्षेत्र के पलरा में विशु को गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 24 वर्षीय विशु उस वक्त गांव में स्थित प्राइमरी विद्यालय की दीवार पर बैठा हुआ था। काफी समय से उसकी रैकी कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने उस पर कई फायर झोंक दिए, जिसके बाद परिजन घायल को मवाना CHC लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मवाना थाने का घेराव करते हुए काफी हंगामा भी किया था। ये हस्तिनापुर में गांव पड़ला है, कल यहाँ एक युवक की हत्या हुई थी और उसमें FIR दर्ज की गई है और आज उनका अंतिम संस्कार हो गया है। उसमें से कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे यहाँ पे अराजकता फैलाने का, तो उनको जो है रोका गया है और यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है, पूरी शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? सर अभी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।